डोंट बी स्केर्ड वेट, इसका डरो मत, हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। दोस्तों जब जब राहुल गांधी संसद में भाषण देते हैं तब तब भारतीय जनता पार्टी की हालत कुछ इस तरीके की हो जाती है। तस्वीर देखिए जहां अमित शाह रुमाल से पसीने साफ करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि संसद में एसी लगा होता है और वहां कोई गर्मी का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन जब जब राहुल गांधी भाषण देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, मंत्रियों का ये हाल हो जाता है। दोस्तों आपको याद होगा जब संसद में राहुल गांधी का भाषण आया था, हिंडनबर्ग का जो ये खुलासा हुआ था अडानी को लेकर, जिसमें अडानी के साथ 20 करोड़ रुपए को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के रिश्ते का खुलासा करते हुए राहुल गांधी ने संसद में तस्वीर दिखाई थी अडानी और मोदी को लेकर, इसमें कई सारे सवाल किए थे और ये भाषण इतना जबरदस्त था कि भारत के इतिहास में राहुल गांधी का ये भाषण हमेशा दर्ज रहेगा। लेकिन दोस्तों अब कल ही की बात है कि कल संसद में जब अधिनियम पेश किया गया, महिला शक्ति वंदन अधिनियम जो पेश हुआ, उसके ऊपर राहुल गांधी भाषण देते हैं और भाषण जैसे ही उनका शुरू होता है तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो जोर जोर से चीख मारने लगते हैं, चिल्लम चाट करने लगते हैं और राहुल गांधी की बातों को बिल्कुल दबाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये हमेशा राहुल गांधी के साथ होता है। राहुल गांधी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस तरह से करते हैं जब भी वो अपने भाषण की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत भाषण की होती है जिस पर राहुल गांधी महिला आरक्षण पर बोलते हुए बताते हैं कि किस तरीके से वो बिल है लाया गया, उसका वो समर्थन करते हैं और वो जल्द से जल्द लागू भी होना चाहिए 2024 के चुनाव से पहले। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करने का शुरुआत करते हैं तो वैसे ही तुरंत राहुल गांधी के भाषण को देखते ही सभी की आवाजें तेज होने लगती है और राहुल गांधी को दबाने लग जाते हैं। तो दोस्तों इसी के बीच में लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला, वो लगातार इन तस्वीरों को देखते हैं लेकिन उनका एक शब्द भी नहीं निकलता इसको लेकर कि हाँ क्यों, किस वजह से शोर किया जा रहा है, क्यों, किस तरीके की बातें की जा रही। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यही है कि राहुल गांधी के भाषण से हमेशा भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है, बौखला जाती है, जिसके बाद अब जब राहुल गांधी ने बात की जातिगत जनगणना को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक एक इस तरह से गले की हड्डी बन चुकी है जो कि वो ना निगल पाते हैं ना ही वो उगल पाते हैं। जातिगत जनगणना की बात दोस्तों जब जब होती है, जब जब भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट जाते हैं और वो इस तरह से बौखलाने लगती है कि जैसे मानिए उनकी सत्ता चुटकियों में ही चली जाने वाली है। दोस्तों तस्वीर देखिए कल संसद में जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो तस्वीरें ये निकली जहां पर राहुल गांधी के भाषण के ऊपर पूरा जो फोकस किया गया वो कुछ अलग तस्वीरों के दौरान, इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग तस्वीरों में दिखाया गया राहुल गांधी के ऊपर फोकस नहीं किया गया। दोस्तों अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला और इसी के साथ राज्यसभा के सभापति है वो क्या दलगत राजनीति से अलग उठकर बात नहीं कर सकते, क्या उनको दलगत राजनीति करनी चाहिए, ये मेरा सवाल है दोस्तों। क्योंकि जब राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो सांसद जो है भाजपा के चिल्लाने लगते हैं लेकिन ओम बिरला कुछ नहीं बोलते। उसके बाद जब राहुल गांधी बोलते हैं कि डरो मत, जब राहुल गांधी को चुप करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कहते हैं कि राहुल गांधी जी आप इस तरह की शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, इस तरह की भाषा का मत यूज कीजिए। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिरकार राहुल गांधी के डरो मत बोलने से किसको डर लग गया? इसका जवाब है इस शख्स को जो कि अपने पसीने साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों देश के जो हालात हैं 2024 की जो एक बिसात तैयार की जा रही है, 2024 के लिए जो रण तैयार किया जा रहा है उसको लेकर राहुल गांधी जैसे एक के बाद एक मुखरता से हर एक मुद्दों पर राय रखते हैं, हर एक बात को बोलते हैं, हर एक चीज़ दिखाते हैं, उससे भाजपा जो है डरी हुई है। और तेलंगाना में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक शिकस्त मिलती हुई दिख रही, राहुल गांधी का जो एक अलग से दबदबा दिख रहा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ही पूरे की तरह बौखलाए हुए हैं, डरे हुए, घबराए हुए हैं। डोंट बी स्केर्ड वेट, इसका डरो मत, हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। इसको लेकर जब राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात की तो वो और ज्यादा घबरा गए और इसी के साथ राहुल गांधी ने फिर वहीं पर अपना बयान भाषण जो है खत्म करके वहां से निकल दिए। और उसके बाद आती है बारी जब अमित शाह खुद बोलते हैं कि डरो मत, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उनको कुछ कहते हुए नजर नहीं आते। दोस्तों ये दलगत राजनीति का ही एक
रवैया है जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है उनको किस तरह से समर्थन दिया जाता है संसद में उनके भाषण को। लेकिन जब राहुल गांधी की बात आती है तो उनकी भीड़ जो है, जो सांसद है, वो इस तरह से चिल्लाने लगते हैं जैसे कि राहुल गांधी ने किस तरह का भाषण दे दिया। दोस्तों, जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी का भाषण शुरू ही हुआ था कि अमित शाह और मोदी के जो मंसूबे थे, जो उनकी चालाकियां थी, उन पर पूरी तरह से बुलडोजर चल गया और वो उस बात को एक बार शांत करने के लिए जुट गए और पसीने छूट गए अमित शाह के, जो कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों सवाल यही उठता है कि आखिरकार किस तरह की राजनीति का एक जो है मंसूबा लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है और किस तरह की राजनीति करना चाहती है, जैसे कि हमने तस्वीरों में देखा कि एक के बाद एक राहुल गांधी के साथ हमेशा से इस तरह का रवैया किया जाता है। राहुल गांधी जब जब बोलते हैं, दोस्तों आपको वो वक्त भी याद होगा जब राहुल गांधी की सजा रद्द की गई थी, उसके बाद राहुल गांधी का पहला भाषण था सांसदी जाने के बाद, और जब उनको सांसदी मिली उस वक्त भी राहुल गांधी के भाषण को 17 से ज्यादा जगहों से काटा गया था, जहां पर राहुल गांधी ने तमाम ऐसे मुद्दों पर बात की जिसको भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कहीं ना कहीं नेगेटिव था, इसलिए वहां पर उसको काटा गया। और साथ ही वही तस्वीर सामने आई थी उस वक्त भी जब ओम बिरला के ऊपर पूरा फोकस किया गया जबकि राहुल गांधी का भाषण संसद में चल रहा है। दोस्तों, पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो दलगत राजनीति है या फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की या सभापति की जो दलगत राजनीति है, उस पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के भाषण को क्यों नज़रअंदाज करने की कोशिश की जाती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे तमाम वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ दिक्कत।